Hello friends, today we are studying about Heron formula, chapter 12, exercise 12.1, question number 2. So question number 2 is the triangular side wall of a flyover. एक flyover है जो आपको question में दिख रहा है, वो ये wall दे रखी है हमें. Flyover has been used the advertisement. This side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. See figure. 12.9. So, हमें ये ट्राइंगल दिया गया है फ्लाईओवर का एक साइड का, तो हमें इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है. तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि मैं बस एक याला ट्राइंगल बनाऊंगा क्योंकि हमें बस इसका ही फाइंड करना है. ओके, सो हमें इसमें बताना है कि द एडवर्टीजमेंट yielding an earning of rupees 5000 per square per meter square per year. तो वो per year 5000 rupees कमाता है. Sorry, वो per वो उसको मीट एक मीट वो मीटर स्क्वायर करने पर उसको 5000 rupees मिलते हैं. So हमें बताना है उसको तीन महीने में उसको कितने rupees मिलते हैं. ठीक है, तो हमने पहले ये डायग्राम बना दिया. ये है 20 मीटर, ये है 22 मीटर, 120 मीटर और ये 122 मीटर. ओके, तो हम इनमें से ये ए बी ये सी मान लेते हैं. तो हमें हीरोज फॉर्मूला से पहले इसको निकालेंगे हम. तो हीरोज फॉर्मूला के लिए हमें ज़रूरत होती है ए बी सी की, जो हमें है ये रहा ए बी सी, और हमें यूज़ होता है एस की ज़रूरत. तो S को फाइंड करने के लिए हमें S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू A कितना हमारे पास 122. ये हम S फाइंड करना है. S होता है पैरामीटर का हाफ. ओके, 122 प्लस B है हमारा 120 प्लस C है हमारे पास 22 अपॉन टू. तो अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 264 अपॉन टू. सो टू से हम कैंसिल करेंगे, 202, 236, 224. सो हमारा एस क्या आया है 132. ओके, सो हमारा एस निकल आया और ए बी सी भी है. तो हम हीरोन फॉर्मूला से अब हम इसको सॉल्व करेंगे. एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है हमारा हीरोन फॉर्मूला. ओके, सो हमें एस की वैल्यू पुट करते हैं. अब हम एस की वैल्यू है 132, ये रही 132, फिर ऐसे है तो 132 माइनस ए है हमारे पास, ए है 122, फिर ऐसे है 132 माइनस बी हमारे पास है 120. ओके, और उसके बाद फिर ऐसे 132 माइनस सी हमारे पास है 22. ओके, सो हमारे पास है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अब हमें सॉल्व करना, तो 132 तो एज इट इज लिख देते हैं. तो इनटू में अगर हम 132 को माइनस करेंगे 122 से, तो हमारा आंसर आएगा 10. इनटू अगर हम 132 को 120 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12. इंटू अगर 132 को 22 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 110. ओके, सो अब हमें फैक्टर करके इसके यहाँ पे लिख देंगे हम. 132 को हमें तोड़ना है एक तरीके से, तो हम 132 को 11 इंटू 12 लिख सकते हैं. 11 इंटू 12 करेंगे तो 132 आ जाएगा. इंटू हम 10 को एज इट इज लिख रहे देते हैं, 12 को भी हम एज इट इज लिख रहे देते हैं. इसको हम 110 को 11 इंटू 10 कर देते हैं क्योंकि हमें पेयर बनाना है, क्योंकि ये 12 का पेयर हो गया, 11 का हो गया और 10 का हो गया. ओके, तो ये 11 12 और 10 का पेयर हो गया. तो अगर पेयर हो गया तो हमें एक जिसका पेयर हो जाता है तो उसका एक बाहर आ जाता है. जैसे कि 11 का पेयर हो गया तो 11 बाहर आ गया, 12 का पेयर हो गया 12 बाहर आ गया, और 10 का पेयर हो गया 10 बाहर आ गया. रूट में क्या बचा 1. ओके, तो ऐसे होता है.
इसको हम अगर इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ओके सो अब हमें निकालना है अर्निंग इन वन ईयर, वो एक ईयर में रुपीज 5000 कमाता है तो हम उसका पहले निकालते हैं। सॉरी ये देखिए, अगर वो एक महीने में 5000 रुपये कमाता है तो हम पहले उसको वन ईयर है तो हम इसको मंथ में कर देते हैं। वन ईयर में होते हैं 12 मंथ। ओके सो अब हमें 3 महीने का बताना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5000, हम ऊपर लिखते हैं 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, 12 × 3 मंथ का हमें बताना है और हमें कितना मीटर स्क्वायर उसने करा है 1320। ओके अब हम कैंसिल कर सकते हैं 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, 2 × 4 = 6, 2 × 2 = 6, 2 × 6 = 0। अब हम 5000 को अगर हम इंटू करेंगे 5000 को इंटू 330 से तो हमारा आंसर आएगा 0000, देखिएगा 0000561 रुपीज। ओके ये आएगा हमारा आंसर। ओके ठीक है तो हमारा आएगा 16,50,000। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके थैंक यू, यही हमारा होगा आंसर। थैंक यू।